भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद सत्ता पक्ष विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता एवं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, मनुष्यता को आह्वान्वित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। सीएम ने नागरिकता संशोधन कानून के पात्रों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में यूपी पुलिस पैदल गश्त कर रही है। कई क्षेत्रों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर भी उतरे हैं। पुलिस की ओर से पुराने लखनऊ में मार्च निकाला जाएगा। संवेदनशील माने जाने वाले जगहों पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की जा रही है। बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक ग्राफिक से शेयर किया गया है, हमने जो कहा सो किया।